नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। और आज हम लोग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझें और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कन्वेयर होते क्या है। आप लोगों ने किसी कंपनी में या कंस्ट्रक्शन फील्ड में देखा होगा जहां क्रेशर वगैरह चलते रहते हैं, या कंपनी में आपने देखा होगा जो मटेरियल है ऑटोमेटिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। उसमें होता क्या है, जब हमें किसी कंपनी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो भी दोनों स्थान फिक्स हो, फिक्स ऐसे हो कि हमेशा हमारा प्रोडक्शन चल रहा है और हमेशा के लिए हमें मटेरियल को उस स्थान पर लगातार भेजना होता है, चाहे वो मशीन का पार्ट्स हो सकता है या कोई रो मटेरियल हो सकता है, मशीन का टूल्स हो सकता है या कुछ और हो सकता है। मतलब हमें लगातार वहां पर उस मटेरियल को उस स्थान से और जहां तक हमें भेजना है उस स्थान तक लगातार हमें क्या करना है, उस मटेरियल को भेजना होता है। तो ऐसे स्थान पर क्या होता है, जो हमारी लेबर का काम करती है तो एक तो लेबर ज्यादा लगती है, उस समय भी वेस्ट होता है, या फिर हम किसी व्हीकल से काम करेंगे किसी सामान को ले जाने में तो उससे भी हमारा समय वेस्ट होता है। ऐसी जगह हम क्या करते हैं, कुछ कन्वेयर का यूज करते हैं। यह कन्वेयर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो भी फिक्स स्थान पर भेज सकते हैं। अभी जो कन्वेयर होते हैं यह डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके आधार पर इसको क्या है, क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इसके टाइप्स बनाए गए हैं। तो जब हम कन्वेयर में एक बेल्ट का यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं। अब बेल्ट का क्या काम होता है यहां पर इस डायग्राम के थ्रू हम समझा देते हैं। यहां पर आपको एक कन्वेयर सिस्टम दिख रहा होगा। नॉर्मली देखें तो इसमें क्या होता है, एक सपोर्ट होता है नीचे, आपको दिख रहा होगा, जिस सपोर्ट होते हैं उनमें क्या लगे थे, पुली लगी रहती है। यहाँ पर जो आपको बेल्ट के नीचे इस टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या पुली लगी हुई है, ये लगातार अपनी फिक्स स्थान पर घूमती रहती है। घूमती किससे, किसकी सहायता से, ड्राइविंग सिस्टम की, जो भी इसका मैकेनिज्म रहता है या जो भी पावर होती है हमारी बिजली वगैरह उससे चलती है, तो पूरा मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म की सहायता से पुली कंटिन्यू क्या होती है, जैसे हम पावर ऑन करते घूमती रहती है। अब ये घूमती रहती है और इनके ऊपर क्या है, ये सब बेल्ट चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर दिख रहा है बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट का मटेरियल डिसाइड किया जाता है किसके आधार पर, जो भी इस पे हम वस्तु रखेंगे, हल्की है, वजनदार है या कितनी वजनदार है, मतलब जो भी इस पे लोड हम बियर करेंगे उसके आधार पर इस बेल्ट का मटेरियल तय किया जाता है, जिससे वह फेल ना हो। तो ये बेल्ट क्या किया, इन पुली बहुत सारे रोलर टाइप के लगे हुए यहाँ पर, उन पे चढ़ा दिए। अब घूम कौन रहा है यहाँ पर, बेल्ट, बेल्ट अपने फिक्स स्थान पर घूम रहे हैं, वह घूमते घूमते क्या करते हैं, इस बेल्ट को धीमे आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, उसकी सहायता से क्या है, बेल्ट भी घूमती रहती है। अब हमें किसी सामान को यहाँ पर मान लो पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको लोड करेंगे और जो बेल्ट चलेगा उसकी सहायता से क्या करेगा, जो मटेरियल यहाँ पर हम लोड करेंगे वो यहाँ पर पहुंच जाएगा और जो लेवर यहाँ पर उसको लोड करेगी और दूसरी लेवर उसको यहाँ पर उतार लेगी। तो ऐसी क्या होती है, जहां पर थोड़ी दूरी होती है और हमें किसी मटेरियल को भेजना है तो यहाँ लगातार लोड करते रहते हैं, याद रखें, और वो अपना जो मटेरियल वो चलता चलता अपने आप जितने भी लोड करते हैं चलते चलते कहाँ उस तरफ पहुंचते रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो भी थ्योरी वगैरह है हमने पीडीएफ में दे दी है तो उसको पढ़कर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इसकी अभी जो इसके पार्ट्स होते हैं, जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं उनको देखेंगे और उस डायग्राम को भी देखेंगे जो हमें एग्जाम में बनाना है, क्योंकि इस डायग्राम को तो सिर्फ एनिमेशन के रूप में देख सकते हैं कैसा बेल्ट कन्वेयर होता है, लेकिन इसको एग्जाम में नहीं बना सकते। अब मैं जो डायग्राम बताने वाला हूँ उसको आपको एग्जाम में बनाना है, उसके पार्ट्स के नाम भी लिखना है, उन पार्ट्सों को एक्सप्लेन भी करना है, उसकी वर्किंग भी लिखना है। किसी भी छात्र को इस सब्जेक्ट का मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हमने एबी क्लास एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ या फिर पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दिए हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है और तो उस वीडियो को देख ले आप और एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।
ये मैंने अपना नंबर लिख दिया, तो यहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी कंपोनेंट की, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें टू टाइप्स की पुली होती है, एक हेड पुली होती है, कौन सी, एक हेड पुली होती है, एक हमारी कौन सी होती है, टेल पुली होती है, कौन सी होती है, एक टेल पुली होती है, टेल पुली होती है। ये हेड पुली है, जो जो हेड पुली है ये मेन पुली होती है, और जो इसमें अदर पुली यूज की जाती है उनकी तुलना में इसका जो डायमीटर होता हुआ है अधिक होता है। कहां होता है, जो डायमीटर होता हुआ है अधिक होता है, और ये ड्राइव पुली के रूप में भी कार्य करती है। किसके रूप में, ड्राइव पुली के रूप में भी कार्य करती है, ड्राइव मतलब चलाने में सपोर्ट करना, किस रूप में काम कार्य करती है, ड्राइव पुली। यही जो हेड पुली है ये क्या करती है, ड्राइव पुली के रूप में भी काम करती है। ये कहां पर लगी रहती है, जहां पर मटेरियल को डिस्चार्ज करना होता, मतलब उतारना होता है, जहां पर मटेरियल डिस्चार्ज करते उस साइड इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब दूसरी होती है टेल पुली, कौन सी होती है, टेल पुली। टेल पुली वहां पर काम करती है जहां पर हम मटेरियल को लोड करते हैं, कहां पर, जहां पर हम मटेरियल को लोड करते हैं वहां पर टेल पुली का काम होता है। अब इसके अलावा एक आइडलर पुली भी होती है, कौन सी होती है, आइडलर पुली भी, ये बीच बीच में लगी जाती है, आइडलर पुली बीच बीच में लगी जाती है। इनकी संख्या कितनी लगाना है ये तो हमारी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो लगी रहती है आइडलर पुली ये सिर्फ सपोर्ट के लिए लगी जाती है। सपोर्ट का मतलब बोले कि जब हमारा बेल्ट मूव करता है तो बीच बीच में ये पुली क्या करती है, उस बेल्ट को टाइट करके रखती है, और वह जो बेल्ट घूमता है उसको घुमाने में, मूव कराने में मदद करती है। तो आइडल पुली क्या करती है, बेल्ट को सपोर्ट करती है और उसको, उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसको घुमाने में मदद करती है। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर जो लिखा कन्वेयर बेल्ट, बेल्ट बोले तो पूरा बेल्ट होता है जिस पर मटेरियल हम लोड करते हैं, और जिस इसी के ऊपर ही क्या कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है। तो जो पूरी पुली का अरेंजमेंट रहता है, पूरा सिस्टम होता है इस टाइप का ही आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो यहां से यहां तक आपको जिस पर क्या होता है पूरा मटेरियल चल के जाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इस कन्वेयर बेल्ट पर हम क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट को इंस्टॉल करते हैं। इसको कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट उस बेल्ट को बोला जाता है जो क्या करता है हमारे मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो पुली लगी हुई है ये अपने फिक्स स्थान पर क्या होती है, घूमती रहती है। जब ये घूमती है तो इसके ऊपर जो हमने बेल्ट को लगा रखा है वह बेल्ट क्या करता है, उसके ऊपर उन पुली की सहायता से घूमता है, वह घूमता है। तो हम क्या करते हैं, जहां टेल पुली लगी रहती है इधर साइड क्या करें, जिस मटेरियल को यहां पर लोड कर देंगे वह मटेरियल क्या होगा, जहां पर डिस्चार्ज साइट है इधर यहां तक पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, तो इसको हम बड़े आसानी से यहां पर उतार पाएंगे। ये जो चढ़ाता है तो रोबोट का काम है चढ़ाना, या फिर किसी लेबर का काम है यहाँ पर लोड करना मटेरियल को, अनलोड करना भी इसी तरह किसी लेबर का काम है, या फिर किसी रोबोट का काम है, या फिर जो भी हमारी जेसीबी वगैरह होती है, इस तरह मटेरियल की वेट पर डिपेंड करता है। इस तरह क्या होता है, जो बेल्ट है इसका मटेरियल भी हम डिसाइड करते हैं तो मटेरियल के आधार पर करते हैं, क्योंकि इस पर लोड कितना है उसके आधार पर मटेरियल डिसाइड करते हैं, नहीं तो बेल्ट हमारी टूट भी सकती है। क्योंकि ये जब स्पीड से चलता है बेल्ट तो उस पर क्या होता है, खिंचाव होता है, जब खिंचाव होता है तो ये टूट भी सकती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, इस मटेरियल को डिजाइन किया जाता है, किसके, बेल्ट के मटेरियल को। अब इसका पूरा एक ड्राइविंग सिस्टम भी होता है, ड्राइविंग सिस्टम बोले तो जो पुली चल रही है पूरा मैकेनिक एक कंटिन्यू मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये हमारी पावर से चलता है, जो भी बिजली वगैरह उससे चलता है। तो इसमें पूरा ड्राइविंग सिस्टम होता है कि इसको पूरे स्पीड को कंट्रोल करना है। यहाँ पर लिखा गियर रिड्यूसर, ये लिखा गियर रिड्यूसर, मतलब हम स्पीड को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका जो पूरा कन्वेयर फ्रेम दिख रहा है नीचे बना हुआ है, मतलब ये सपोर्ट लगे इस पे ये रखा हुआ है, यहां पर दिख रहा है ये सपोर्ट जो रहते हैं ये किसके आधार पर रहते हैं, कितनी ऊंचाई देना है मटेरियल के अकॉर्डिंग, कितनी ऊंचाई देना है, और पूरा फ्रेम बना रहता है कितनी दूरी तक इसको ले जाना मटेरियल को, मतलब दूरी और ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम इसके फ्रेम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। दूरी और ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसका जो फ्रेम बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर इस पर जो भी हमारी ड्राइविंग यूनिट है, चाहे पुली हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे गियर सिस्टम हो, ये सब कुछ इस पर इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है, इसका फ्रेम, दूरी और ऊंचाई के अकॉर्डिंग। अब नॉर्मल वर्किंग देखें तो जैसा आप जानते हैं पावर ऑन करेंगे इस पर मटेरियल रखें ना रखें ये चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा मतलब पुली अपनी जगह घूमने लगेंगी और इसके ऊपर जो बेल्ट लगा हुआ वह बेल्ट पुली की सहायता से घूमने लगेगा।
जब ये घूमने लगता है लगातार घूमने घूमता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम मटेरियल को लोड कर रहे हैं तब हम इसको रोकते हैं, रोकते नहीं है, ये लगातार घूमता है। हमें चलते हुए बेल्ट पर हम क्या करते हैं, मटेरियल को लोड करते हैं और अनलोड करते हैं। मतलब यहां पर मटेरियल क्या करेंगे, हम रखेंगे चलते हुए बेल्ट पर, यहां पर उतारेंगे वो भी चलते हुए बेल्ट पर। इस तरह कन्वेयर सिस्टम रहता है, उसमें कंटिन्यू बेल्ट हमारी घूमती रहती है और हमें किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो वो फिक्स स्थान पर, तो हम बड़े आसानी से इससे मदद ले सकते हैं। अब ये क्या हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब नॉर्मली, और ये इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। इंक्लाइंड बोले थोड़ी सी तिरछे, कि हमें कोई ऊपर से नीचे की ओर वस्तु ले जाना है, या फिर नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में ले जाना हो, जैसे हमारी प्लेन धरती होती है, मतलब इस दिशा में भी ले जा सकते हैं, लेकिन वर्टिकल दिशा में नहीं ले जा सकते, सिर्फ इंक्लाइंड मतलब बोले तो ऐसा थोड़ा इंक्लाइंड है, मतलब यहां से हम कोई मटेरियल लोड कर रहे हैं, यहाँ उतार रहा है, पर यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं, तो ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं, ऐसा भी ले जा सकते हैं, इधर भी जाए तो इंक्लाइंड भी ले जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बोले तो हम जो ऑलरेडी बना हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजिशन बना हुआ है, इस तरह भी मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। बकाया आपके साथ आप वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच रहती है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें तो और समझ में आ जाएगा। और जो लोग हमारा YouTube पर वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना ही बेल आइकॉन को दबाना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।